हेलो फ्रेंड्स, क्यूबिंग प्लेनेट में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं सिखाऊंगा कि इस बैरल क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस बैरल क्यूब को हम लोग सिलेंडर क्यूब और ऑक्टागोनल क्यूब भी कहते हैं। अच्छा, ये बैरल क्यूब जो है ये इस 3x3 क्यूब का शेप मॉड है। इस बैरल क्यूब को हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग इस 3x3 क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये 3x3 क्यूब सॉल्व करना नहीं आता है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला है, तो आप वहाँ पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, मैं इस बैरल क्यूब के बारे में पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस बैरल क्यूब में हमारी 3 लेयर्स हैं। जैसे हमारी फर्स्ट लेयर है, ये हमारी सेकेंड लेयर है और ये हमारी थर्ड लेयर है। और ये देखिए, यहाँ पर जो पीसेज हैं बीच में, ये हमारे सेंटर पीसेज हैं। और ये पीसेज जो आप देख रहे हैं, ये हमारे एज पीसेज हैं। और ये साइड में आप जो पीसेज देख रहे हैं, ये हमारे कॉर्नर पीसेज हैं। अच्छा, जैसे देखिए इसमें, जैसे फर्स्ट लेयर में देखिए जितने पीसेज हैं ये सब एक ही कलर के हैं। देखिए सारे पीसेज ग्रीन हैं। सेकेंड लेयर में जितने पीसेज हैं सारे पीसेज रेड हैं। और थर्ड लेयर में जितने पीसेज हैं सारे पीसेज ब्लू हैं। तो ये जो देखिए, सारे पीसेज जो है एक ही कलर के हैं। और इस क्यूब की एक खास बात और है कि इसमें पीसेस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मतलब किसी पीस को हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे इस क्यूब में देखिए, ये व्हाइट कॉर्नर पीस को देख लीजिए। जैसे यहाँ पर व्हाइट, रेड और ग्रीन कलर है, तो इस पीस को हम लोग सिर्फ यही इसी पोजिशन पर लगा सकते हैं। लेकिन इस बैरल क्यूब में जैसे कोई भी कॉर्नर पीस को देख लीजिए, जैसे ये जो कॉर्नर पीस है ग्रीन और ब्लैक, तो इस ग्रीन और ब्लैक कॉर्नर पे इसको हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इस क्यूब में मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग इजिली कहीं पर भी किसी पीस को लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर दिया है। अच्छा, इस क्यूब में सारे वही स्टेप्स फॉलो होते हैं जो हम 3x3 क्यूब में करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्रॉस बनाएंगे। जैसे हम लोग 3x3 क्यूब में हम लोग व्हाइट प्लस बनाते थे, वैसे हम लोग एक इसमें प्लस बनाएंगे। तो देखिए, इसमें व्हाइट की जगह इसमें ब्लैक कलर है, तो हम लोग एक ब्लैक प्लस बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस ब्लैक सेंटर को ऐसे ऊपर ले लेंगे, ब्लैक सेंटर वाले पीस फेस को ऊपर ले लेंगे। अब हम इस ब्लैक सेंटर के चारों तरफ अब हमें ब्लैक एच पीसेस को लगाना है। जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमें ब्लैक एच पीसेस को लगाना है। अब देखते हैं ब्लैक एच पीसेस कहाँ कहाँ पर है। देखिए, ये हमारा ब्लैक एच पीस है और ये हमारा ब्लैक एच पीस है, ये हमारा ब्लैक एच पीस है और ये हमारा ब्लैक एच पीस है। तो देखिए, ये सब हमारे ब्लैक एच पीस हैं। तो जैसे ये हमारा ब्लैक एच पीस है, तो हम लोग इसको ऐसे ऊपर कर देंगे। और ये हमारा ब्लैक एच पीस है, तो इसको हम लोग ऐसे ऊपर कर देंगे। और ये हमारा ब्लैक एच पीस है, तो इसको ऐसे हम लोग ऊपर कर देंगे। अब देखिए, ये जो ब्लैक एच पीस है, इसमें ब्लैक हमारा यहाँ पर है, तो ये ब्लैक हमें हमारा यहाँ पर होना चाहिए था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस तरह केस आएगा तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इस टॉप लेयर को ऐसे मूव कर देंगे। अब इस ब्लैक को हम लोग ऐसे ऊपर ले आएंगे। तो देखिए, ये हमारा क्रॉस बन गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने अपना क्रॉस कंप्लीट कर लिया है। तो इस क्रॉस को हम लोग नीचे रखेंगे। अब हम लोग फर्स्ट लेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट लेयर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ब्लैक कॉर्नर पीसेस को देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा ब्लैक कॉर्नर पीस है, तो ये ब्लैक कॉर्नर पीस इस सेंटर के साथ ऐसे डायगनली मैच हो रहा है। अब ये पीस लेफ्ट साइड पे है, तो हम लोग लेफ्ट फेस को ऊपर करेंगे और इस ब्लैक पीस को इस ब्लैक मिडिल पीस के साथ ऐसे मैच कर देंगे। अब देखिए, ये ब्लैक कॉर्नर पीस इस सेंटर पीस के साथ ऐसे डायगनली मैच हो रहा है। अब ये पीस लेफ्ट साइड पे है, तो हम लोग इस लेफ्ट फेस को ऊपर कर देंगे और इस ब्लैक पीस को इस ब्लैक मिडिल पीस के साथ ऐसे मैच कर देंगे। अब देखिए, ये ब्लैक कॉर्नर पीस इस सेंटर के साथ ऐसे डायगनली मैच हो रहा है। अब ये पीस राइट साइड पे है, तो हम लोग राइट फेस को ऊपर कर देंगे और इस ब्लैक पीस को इस ब्लैक मिडिल पीस के साथ ऐसे मैच कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो ब्लैक कॉर्नर पीस है, ये गलत जगह फ्लिप हुआ है, ये गलत जगह पे लगा हुआ है। तो हम लोग इसको यहाँ से निकालेंगे और टॉप लेयर में ले आएंगे। ठीक है, और इस जैसे हमने इसको यहाँ पर नीचे कर दिया, अब इस पीस को हम लोग टॉप लेयर में ले आए। ठीक है, तो देखिए, ये जो पीस जो है, ये ब्लैक कॉर्नर पीस, ये सेंटर साथ ऐसे डायगनली मैच हो रहा है। अभी राइट साइड में है, तो हम लोग राइट फेस को ऊपर करेंगे और इस ब्लैक पीस को इस ब्लैक मिडिल पीस साथ ऐसे मैच कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। तो अब हमें सेकेंड लेयर बनाना है। तो देखिए, सेकेंड लेयर में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर और यहाँ पर हमें रेड एच पीसेस को लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा रेड एच पीस है, तो ये रेड एच पीस जो है ये यहाँ पर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रेड एच पीस को इसकी इस पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो हमने इस रेड एच पीस को इधर ले गए हम। अब हम लोग अपने इस राइट फेस को ऊपर कर देंगे और यहाँ से इस ब्लैक कॉर्नर पीस को यहाँ से हटा देंगे और इसको अब नीचे कर देंगे। तो देखिए, अब ये जो कॉर्नर पीस है, ब्लैक कॉर्नर पीस, इस सेंटर के साथ ऐसे डायगनली मैच हो रहा है। तो ये पीस हमारा राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो हम लोग इस लेफ्ट फेस को ऊपर करेंगे और इस ब्लैक पीस को इस ब्लैक मिडिल पीस साथ ऐसे मैच कर देंगे। अब इसको नीचे कर देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक और रेड एच पीस लगाना है। तो देखिए, ये हमारा रेड एच पीस, अब ये हमारा रेड एच पीस यहाँ पर आएगा। तो इस रेड एच पीस की पोजीशन ये है, तो हम लोग इस रेड एच पीस को इसकी इस पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो हमने इसको इधर कर दिया, अब हम अपने इस राइट फेस को ऊपर कर देंगे
और यहाँ से इस ब्लैक कॉर्नर पीस को हटा देंगे और अब इसको नीचे कर देंगे। तो देखिए अब ये जो ब्लैक कॉर्नर पीस जो है, तो ये इस सेंटर के साथ ऐसे डायगनली मैच हो रहा है। अब ये पीस हमारा लेफ्ट साइड पे है, तो हम लोग इस लेफ्ट फेस को ऊपर करेंगे और इस ब्लैक पीस को इस ब्लैक मिडिल पीस के साथ ऐसे मैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी दो लेयर्स कंप्लीट हो गई। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने अपनी दो लेयर्स कंप्लीट कर ली। जब हम लोग अपनी दो लेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे पास टॉप लेयर में कुछ केसेस आते हैं। देखिए जैसे ये एक एल शेप आ गया है यहाँ पर, और कभी कभी हमारा लाइन शेप आता है, कभी कभी डॉट शेप भी आता है। तो यहाँ पर हमारा एक ये एल शेप है, देखिए ये एक उल्टा एल है, ठीक है। तो अब इस एल को हम लोग अपने फ्रंट में ऐसे रखेंगे, अपने सामने रखेंगे और ये एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ गई, तो इसको इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग अपने पैरेलल में रखेंगे और फिर से ये एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एक येलो क्रॉस बन गया, तो ये हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे ये येलो क्रॉस बन गया है। अब हमें इन येलो कॉर्नर्स को फ्लिप करना है, तो इन येलो कॉर्नर्स को फ्लिप करने के लिए हम लोग एक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सब कॉर्नर्स हैं, फ्लिप हैं, तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर इन कॉर्नर्स को फ्लिप करना है। तो जिन कॉर्नर्स को हमें फ्लिप करना है, इनको हम लोग अपने फ्रंट पर रखेंगे और ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए यहाँ पर ये येलो कॉर्नर फ्लिप हो गया। अब हमें यहाँ पर ये येलो कॉर्नर फ्लिप करना है, तो इसको हम लोग अपने फ्रंट में ले आएंगे और फिर से ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए ये हमारा क्यूब कंप्लीट हो गया। तो आपको अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।